इतने दिनों बाद मैं अपनी मौसी से मिली हूँ। मोना को मिल रही, मौसी जामुन खा रही है, जामुन इतनी खुशी से हो रही है। मम्मी की उस तक मिली थी, उसके बाद मम्मी मिलने आई थी, उसके बाद आज मिली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि कई साल बाद मैं अपनी मौसी से मिली हूँ। फ़ोन पे मौसी से बात करती रहती हूँ और माँ की कमी बिल्कुल नहीं खलने दी मौसी ने। अपनी माँ की तरह ही मैं अपनी मौसी को अच्छा मानती हूँ। 3 दिन पहले ही सपने में मैंने मम्मी, पापा, मौसी, मौसा जी सबको साथ में देखा। मुझे लगा पता नहीं मौसी मौसा की तबीयत ख़राब तो नहीं है इसलिए देखा हो। फिर मैंने अपनी छोटी बहन मोना से पूछा कि मौसी मौसा जी की तबीयत कैसी है। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, आप उन्हें याद करती होंगी इसलिए आप सपने में देखिए। और देखिए आज मैं अपनी मौसी से मिल भी ली, यानी माँ ने मुझे एक संकेत दिया कि तू अपनी मौसी से मिलने वाली है। थैंक्स माँ। आज बस क्या बताऊँ मैं आपको, कितना अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी मौसी से मिली। आज से गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं। ये कल की वीडियो है नैनीताल की। कल दिन में अचानक से बहुत तेज़ बारिश होने लगी, बहुत तेज़ बारिश हुई, इससे मौसम काफ़ी अच्छा हो गया। नैनीताल में तो काफ़ी ठंडा फील हो रहा था और हल्द्वानी में भी काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है। थोड़ी सी क्लिप्स मैंने वहाँ के लिए जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्या शुरू है 10 डेज की, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। लास्ट डे है स्कूल का, छुट्टी मनाएंगे। काफ़ी देर तक लगातार बारिश हुई, लगभग मेरे ख्याल से 1.5 घंटे से चली होगी। बुलेट पहनने का मन कर रहा था तो ठीक है उसमें पहन भी दी, लेकिन मैंने नहीं पहना। मैंने कहा ठंड भी इंजॉय करनी थी क्योंकि नैनीताल तक में बहुत गर्मी लग रही थी, वहाँ भी पसीना आ रहा था। तो बस ये स्मॉल सी वीडियो बनाई है अपनी मौसी से मिलाने के लिए और नैनीताल के वेदर की अपडेट देने के लिए। फिर नेक्स्ट वीडियो तक के नमस्कार एंड बाय।